हेलो एवरीवन। हेलो, गुड इवनिंग। बस हेलो, गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। सो डू वी हैव टू वेट और कैन वी स्टार्ट नाउ? हैज एवरीवन जॉइंड? यस यस, यू कैन स्टार्ट। ओके, सो it's no surprise that what kind of a node is the world, including our very nation, has been going through since the preceding year. Considering the ongoing wave in India itself, Dr. Fauci, who happens to be a very renowned physician, claims that India's incorrect assumptions and opening up early has further led to this crisis, which has also led to the Neurotoxic 617 strain, typically known as the Indian variant. And as we all know, it has spread like wildfire. हमें 2 साल हो गए हैं COVID-19 से लड़ते हुए और कुछ कॉमन सिम्टम्स के बारे में हमें ऑलरेडी पता है। फीवर, ड्राई कफ, सांस लेने में तकलीफ, इन सम केसेस गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशंस। द पॉइंट इज दैट दीज सिम्टम्स आर एक्सट्रीमली हेटरोजेनस, रेंजिंग फ्रॉम माइल्ड सिम्टम्स लाइक वी जस्ट डिस्कस्ड टू हाइपोक्सिया एंड इवन ARDS। बट इन केस ऑफ द 617 स्ट्रेन, हमारे वायरोलॉजिस्ट ने हमें बताया कि देयर आर टू म्यूटेशंस इन द सेम वायरस, नेमली E484Q एंड L425R, एंड इन दो म्यूटेशंस के एक साथ आने की वजह से ही इसे डबल म्यूटेंट कहा गया। यूजुअली ये दोनों म्यूटेशंस अलग अलग वायरसेस में अलग अलग टाइम देखी गई है, बट 617 के केस में ये दोनों एक साथ विजिबल हैं, जिस वजह से ये दिस वायरस इज मोर इन्फेक्शियस एंड इवन मोर रेजिस्टिव टू द इम्यून सिस्टम। देयरफॉर द मेडिकल एक्सपर्ट्स सजेस्ट अस टू अवेल मेडिकल असिस्टेंसेस इन केस वेयर SpO2 ड्रॉप बिलो 94। एंड वी आल्सो नो दैट सम ड्रग्स आर इन ट्रायल्स, कुछ ड्रग्स ट्रीटमेंट में यूज हो रही है, बट देयर इज नो क्लिनिकल एविडेंस दैट प्रूव्स देयर इफेक्टिवनेस। एंड इवन द UN एजुकेट्स अस की वी हैव अ रिकवरी रेट ऑफ 98.32%, which is quite a recovery. Us case mein even the 1% of the second wave is therefore detrimental to one's health, and therefore this wave including the other ones need to be dealt with a great deal of caution. And with that in mind, and cumulative efforts of junior and senior alumni of VGS IPU, the webinar will include Aman sir's guidance and management of the disease and considering the severity of the diseases as well. And Priyanshi ma'am will be focusing on the pediatric aspects of the aforesaid. So I, Madhav Sharma, would now like to request Aman sir to please step forward and help us understand the various aspects of the disease. Thank you so much, Madhav. So let's begin. First of all, let's understand the difference between the COVID-19 patient who are suffering from the mild disease, moderate disease, and the severe disease. आज के टाइम पे हम सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोविड हुआ है, सबसे पहले पूछते हैं यार माइल्ड हुआ है, मॉडरेट हुआ है या सिवियर हुआ है, राइट? हर एक कोविड की जिस भी स्टेज में हुआ अलग अलग तरीके से मैनेजमेंट है, अलग अलग तरीके के ट्रीटमेंट प्लान है, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इन टूडेज वर्ल्ड, जहां पर बाहर निकलने पे इतनी पाबंदियां लग रही हैं, लॉकडाउन लग रहा है, इस टाइम पर घर पर रहते हुए डायग्नोस करना और एक ट्रीटमेंट प्लान बनाना, और एज अ मेडिकल स्टूडेंट आपको एक जो न्यू डिजीज चल रही है उसके बारे में पता होना, एक पैंडेमिक चल रहा है उसकी डिटेल्स पता होना, इट इज वेरी क्रूशियल। सो लेट्स बिगन विद द माइल्ड डिजीज फर्स्ट। द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक सिम्टम विल बी देयर, URT सिम्टम, दैट इज द कोर्स वॉइस, गले में खराश, सोर थ्रोट, थ्रोट इन्फेक्शन, फीवर, इट मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, विदाउट शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और हाइपोक्सिया। नाउ व्हाट हैपेंस, अगर कोई बीमारी के सिम्टम ज्यादा आ रहे हैं, अगर किसी भी बीमारी के सिम्टम ज्यादा है, देन व्हाट वी कैन डू, वी कैन कंट्रोल इट। हाउ वी कैन कंट्रोल इट, हम सिम्टम पता लग गए, हम बीमारी का पता लगा लेंगे। लेकिन यहाँ पर गेम ये है कि सिम्टम तो हमें पता लग गए, ठीक है, लेकिन मे बी ऐसा भी हो सकता है कि ये असिम्टोमेटिक हो। So mild disease, it may be asymptomatic. There will be no fever, there will be no shortness of breath, there will be no hypoxia. किसी को कोई भी type of symptom या manifestation show नहीं कर रहा। तो इसमें क्या है कि जो भी patient होगा
वो समझेगा कि यार ये वायरल है, ये कॉमन फीवर है. सो वो डिफरेंशियली डायग्नोस करेगा इस चीज को. सो हमें कैसे पता लगेगा कि आपको किस टाइम मेडिकल अटेंशन चाहिए? व्हेन यू आर फेसिंग द डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, हाई ग्रेड फीवर. हाई ग्रेड फीवर आप सबको पता है, आजकल बुखार होता है तो सबसे पहले बोलते हैं कि यार कोविड हो गया है, राइट? अगर आपको बुखार हो रहा है, सब जानते हैं, पैरासिटामोल ले लिया आपने, आपका बुखार डाउन आ गया. एक दिन पैरासिटामोल ली, डाउन आ गया, दूसरे दिन ली, तीसरे दिन ली, ठीक हो गया, आपका फीवर दोबारा नहीं चढ़ा. इट मीन्स यू आर ओके. दैट इज वायरल. दैट इज सम अदर पैथोलॉजी इन द बॉडी, लेकिन कोविड नहीं है. अगर आपका फीवर 5 दिन तक, आप मेडिसिन भी ले रहे हैं बट स्टिल आपका फीवर डाउन नहीं जा रहा है, देन देयर इज एन नीड टू गेट द मेडिकल अटेंशन इमीडिएटली. अ लो थ्रेशोल्ड टू बी केप्ट. अब जो हाई रिस्क वाले पेशेंट है, फॉर एग्जाम्पल किसी को पहले से ही कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल कोई अस्थमैटिक है, किसी को पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है, कोई और बीमारी है, किसी को HIV है, इम्यूनोडेफिशियंट पेशेंट है, तो ऐसे पेशेंट जिनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी वीक है, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि उन लोगों का ध्यान देना, उनको ध्यान रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आज के टाइम पर. सो हेयर पर चेक करते रहते हैं सो दैट हमें पता लग जाए कि हाँ बॉडी में क्या चल रहा है. सो पल्स ऑक्सीजन सैचुरेशन यू हैव टू चेक आफ्टर एवरी 6 to 8 hours. फॉर दैट यू हैव द डिवाइस पल्स ऑक्सीमीटर. उसको कैसे यूज करते हैं वो हम आगे देखेंगे. नाउ अगर माइल्ड डिजीज है तो सब प्रेफर करेंगे कि आप होम आइसोलेशन में रहें. अगर आप होम आइसोलेशन में हैं, देन यू शुड टेक आइवरमेक्टिन 200 mcg/kg. ओडी दैट इज एक गोली एक दिन के अंदर, 3 to 5 days तक आपने लेनी है. अब ये आइवरमेक्टिन जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि ये जो टैबलेट है आइवरमेक्टिन, इट इज एन एंटी पैरासाइटिक. एंटी पैरासाइटिक मतलब जो भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, कोविड जो है, इस टाइम हम कोविड की बेसिकली बात करें, सो कोरोना वायरस हमारी बॉडी में जाकर रेप्लीकेट होता है, उसकी रेप्लीकेशन को रोकना, दैट इज द वर्क ऑफ आइवरमेक्टिन. सो रेप्लीकेशन को इनिबिट करता है और कोविड की फर्दर ग्रोथ को रोकता है. इसके अलावा अगर आपको सांस लेने में दिक्कत है, तकलीफ हो रही है, देन यू कैन टेक द इनहेलेशन थ्रू द इनहेलेशन रूट एंड द ब्यूटेसोनाइड व्हिच इज द ब्रोंकोडायलेटर. एंड हम इसके साथ सेल्ब्यूटामोल भी ले सकते हैं इनहेलेशन के थ्रू नेबुलाइजर के अंदर. सिस्टेमिक स्टीरॉइड्स हम इंडिकेट नहीं करते. सो इन द नेक्स्ट स्लाइड, ये सारा जो डेटा है हमने एम्स से लिया है. एम्स पटना क्या कहता है कि एनश्योर एडिक्वेट हाइड्रेशन. आपकी मील एंड न्यूट्रिशन इनटेक सही रहना चाहिए अगर आप होम आइसोलेशन पर भी है. अगर आपके बच्चे छोटे हैं सो प्लीज यूज द फेस मास्क. आप सिंगल मास्क यूज ना करें. इफ यू हैव द सर्जिकल मास्क देन यूज इट टुगेदर विद द कॉटन मास्क एंड ऑल. सो विद दीज नॉर्मल सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट वी कैन मैनेज द कोविड एट होम. टेम्परेचर को मॉनिटर करना है 6 घंटे बाद. मेडिसिन ले रहे हैं ठीक है. अगर आपका फीवर और ज्यादा हाई हो रहा है then you can go with the tapped sponging. वो भी tap water के साथ आप बर्फ वाला पानी use नहीं करेंगे. SpO2 it should be more than 94%. अगर आपका SpO2 94% से नीचे आ रहा है, at that time you need the hospitalization and you have to get admit in the ward. हर 6 घंटे बाद आप अपना SpO2 भी चेक करेंगे. इसके अलावा बीटाडिन के गार्गल्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, OTC है ये. एंड ये जो बीटाडिन के गार्गल है, ये एंटी बैक्टीरियल एज वेल एज एंटी वायरल है. सो यू कैन गार्गल विद दैट. इवन यहाँ पर एक पॉइंट है कि जरूरी नहीं है कि अगर आपको कोविड है आप तभी गार्गल्स करेंगे बीटाडिन के साथ. अगर आप बाहर कहीं गए हैं, बाहर से आए हैं, देन ऑल्सो फॉर द सूदिंग ऑफ योर थ्रोट यू कैन गो विद दिस बीटाडिन गार्गल्स. सो द मेडिकेशन अगेन, यू कैन टेक द पैरासिटामोल फॉर इंक्रीजिंग द इम्यूनिटी. यू कैन टेक द विटामिन सी, जिंक, जिंकोविट आजकल बहुत ज्यादा फेमस है, लेवोसेट्रिजिन प्लस मोंटेल्यूकास्ट. यू कैन टेक दीज टैबलेट्स आर प्रिस्क्राइब्ड बाय द एम्स. ये जितनी भी यहाँ पर आपके सामने ड्रग्स के नाम है, ये सब एम्स की तरफ से प्रॉपर ऑथराइज्ड है. सो यू कैन टेक दैट, यू कैन रिलाई ऑन दैट. देन एडिशनल एडवाइस में आप पेंटाप्रिजोल ले सकते हैं. क्या होता है, कई बार जो हम कॉमनली देखते हैं जब किसी को कोई भी मेडिकेशन दी जाती है
तो वो कहता है कि यार ये वाली मेडिकेशन मुझे सूट नहीं करती, इस वाली से मुझे गैस्ट्रिक इरिटेशन होती है, मुझे एसिडिटी होती है, वॉमिट जैसा फील आता है, हैवीनेस लगती है, नौशिया होता है. सो वी कैन गिव द एडिशनल सप्लीमेंट्स ऑल्सो, एडिशनल मेडिकेशन ऑल्सो लाइक पेंटाप्रोजोल, जो कि आपकी एसिडिटी एंड गैस्ट्रिक इरिटेशन जो भी दिक्कत आती है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन को कंट्रोल करेगी. इसके अलावा यू कैन टेक, इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम द डायरिया एंड लूज मोशन, देन यू कैन टेक द प्रोबायोटिक सेशे. Kindly unmute yourself, whosoever is unmuted. Okay. So with that, you can take the oral steroids also, throat soothing lozenges like Vicks, Strepsils, Honitus, बहुत सारी चीजें हैं. तो होम आइसोलेशन के अंदर इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए आपको इतना ज्यादा बताया नहीं जा रहा. होम आइसोलेशन का मतलब, अगर होम आइसोलेशन है, इट मीन्स यू हैव टू स्टे इन वन रूम. So, उसको आप फॉलो करें, घर के अंदर बिल्कुल भी इधर उधर ना निकले. नेक्स्ट स्लाइड. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम हर टाइम किसी ना किसी पोस्चर में होते हैं. आई एम सिटिंग ऑन अ चेयर, यू आर लाइंग ऑन द बेड. मोस्टली ऑफ यू, मोस्ट पीपल ऑफ यू आर लाइंग ऑन द बेड बिकॉज बहुत ज्यादा लेजीनेस हो गई है कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से भी. तो ज्यादातर हमारे पोस्चर को मेंटेन करना, इट इज अ क्रूशियल पॉइंट राइट नाउ. सो इन द मैनेजमेंट ऑफ कोविड ऑल्सो, कुछ ऐसे पॉस्चर्स हैं जो कि हमारे थोरेसिक कैविटी को, लंग्स की कैविटी को एक्सपैंड होने में फायदेमंद रहते हैं. सो आप सुनते भी होंगे कि उल्टे लेटेंगे तो ज्यादा बेटर होता है. दैट इज द 30 मिनट से लेकर 2 घंटे तक अगर आप ये फॉलोइंग पोजिशन में से कोई भी पोजिशन को मेंटेन कर सकते हैं, देन इट इज द बेस्ट थिंग, राइट. सो पहली पोजीशन है यहाँ पर लाइंग ऑन द बेली, दैट इज आप उल्टे लेटेंगे, प्रोन लेटेंगे, क्योंकि आपके जो लंग्स होते हैं वो पीछे की तरफ होते हैं, बैक साइड पर होते हैं. जब हम सीधे लेटते हैं तो हमारे आगे के जो ऑर्गन्स हैं वो लंग्स पर भार डालते हैं, उसको ज्यादा एक्सपैंड नहीं होने देते. जब आप उल्टे लेटेंगे तो आपके लंग्स एज कम्पेयर टू द सुपाइन पोजिशन ज्यादा अच्छे से एक्सपैंड हो पाएंगे. देन फ्रॉम 30 मिनट्स टू 2 आवर यू कैन लाई ऑन द राइट साइड, राइट लेटरल एज shown in the image on your screen. 30 minute to 2 hour ke liye again the supine position ya fowler position mein aa sakte hain, 60 to 90 degree, then lying on the left side and then again back to the prone position. So ye prone position, jitni bhi ye positions yahan par hai, home isolation mein yahan par zyada role hai. Why? Agar aap ward mein admit hai ya agar aap hospitals mein admit hai to itni zyada requirement nahi hogi, kyunki wahan par physiotherapist hoga, wo aapko apne aap movements karwayega. अगर आप होम आइसोलेशन में हैं और आप बहुत लंबे समय तक एक ही पोस्चर में बैठे हैं तो बॉडी के कुछ ऐसे ट्रिगरिंग पॉइंट्स जो हैं वो ट्रिगर हो जाएंगे, ऐसे स्टिमुलेट हो जाएंगे कि आपको उन पॉइंट्स में पेन होना शुरू हो जाएगा, वीकनेस लगेगी. एंड ड्यू टू द इमोबिलिटी फॉर द लॉन्गर पीरियड, जब आप सही हो जाएंगे बाद में भी, तब भी यू कैन फील डिफिकल्टी इवन इन वॉकिंग, इवन इन पिकिंग अप द स्मॉल थिंग्स दैट इज ऑफ योर ओन. सो आप अपनी हेल्प खुद नहीं कर पाएंगे. सो अपनी मोबिलिटी को बनाए रखना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टाइम पर. सो दिस वीडियो इज शोइंग यू द हाउ कैन वी यूज द नेबुलाइजर. यस प्लीज प्ले दिस. Abhishek, kindly show it once again.
So this is how you can use the nebulizer at your home. The next stage of the COVID disease is moderate. Agar moderate disease hai kisi ko bhi, it means the respiratory rate hai, wo 24 per minute se upar hai, zyada hai, ya 24 per minute hai. SPO2 agar aap pulse oximeter pe check karte hain, wo 93% ya usse kam aayega. That is below 94. Agar aapka SPO2 93 ya 93 se kam aa raha hai, respiratory rate more than 24 ya equal to 24 aa raha hai, that means you are suffering from the moderate COVID disease. Agar kisi ko moderate COVID disease hai, so usko ward mein admit karna padega, kyunki oxygen support ki requirement hai. Oxygen therapy ke through hamara target ye rahega ward ke andar ki jo SPO2 hai wo 90 se lekar 96% ke beecho beech rahe, 90 se zyada drop na kare. Aur agar kisi ko pehle se hi asthmatic koi problem hai, koi bhi issue hai related to the pulmonary system, that is lungs, जैसे किसी को COPD है, chronic obstructive pulmonary disease, उनके लिए हमने जो limit set करी हुई है according to the WHO, it should be 88% to 92%. इसके अलावा we have different devices for the oxygenation like non-rebreathing face mask. Awake proning should be encouraged in all the patients who are requiring supplemental oxygen therapy. उल्टे लेटना, आप जाग रहे हैं, सोते हुए नहीं, जागते हुए उल्टे लेटना, ये encourage करा जाए हर patient के अंदर. अब जो वार्ड में एडमिट हुए हैं उनको सबसे पहले दी जाती है एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स. जितनी भी ड्रग्स दी जाएंगी वो आफ्टर सम डायग्नोसिस दी जाएगी, ऐसे नहीं होगा कि हमने डायरेक्ट किसी को भी कोई भी ड्रग दे दी. पहले एक प्रॉपर डायग्नोसिस करा जाएगा जो कि 2 से 3 दिन रेगुलर कुछ इंटरवल्स पर होगा. उसके बाद हम चेक करेंगे कि बॉडी में इंफ्लेमेटरी मीडिएटर जो इन्फ्लेमेशन करवाते हैं वो कितने हैं, उनके लेवल क्या है. अगर उनका लेवल हाई आता है देन वी विल स्टार्ट through the IV intravenous route ke through methylprednisolone and we can give the dexamethasone also. These are the steroidal drugs. Now we have the patient, it may be initiated or it's switched to the oral route. Agar oral route available hai to hum zyada yahi try karenge ki oral route ke dwara hi ye medications jo anti-inflammatory drugs hain ye diye jaye. Now dexamethasone jo hai aajkal is pe kafi rumors bhi ur rahe hain that we can use the dexamethasone also in the treatment of the COVID. So generally ye ek safest drug hai dexamethasone. Aur jo risk wale log hai, for example jo bahut buzurg hai ya bahut chote hai, we can give that to those people also. But yes, agar kisi ko diabetes hai aur wo home isolation mein dexamethasone le raha hai to please aap ye drug home isolation mein khud na le, pehle apna proper diagnosis ek medical practitioner ke dwara karwaye. इसका प्रोलॉन्ग्ड यूज करने से आपको दिक्कत भी हो सकती है लिटिल बिट, बट यस, शुरुआत के 3 से 5-6 दिन अगर हम यूज करते हैं देन इट इज ओके, यू कैन यूज इट. पेशेंट इट मे बी इनिशिएटेड और स्विच टू द ओरल रूट, ओके. देन एंटी कोएगुलेशन, जो रीसेंट कोविड, जैसे कि माधव ने हमें बिगनिंग में बताया दैट इट इज डबल म्यूटेंट में उसमें एक ये भी खासियत आ गई है कि ब्लड क्लॉट होना शुरू हो जाता है, आपकी बॉडी में ब्लड क्लॉट हो जाएगा. सो हम डी डाइमर के नाम से एक टेस्ट होता है, डी डाइमर, ये टेस्ट हमें बताता है, इसकी रीडिंग्स हमें बताती है कि ब्लड के अंदर कितने क्लॉट प्रेजेंट है, कितने क्लॉट्स ब्लड के अंदर प्रेजेंट है. सो एंटी कोएगुलेशन वो ड्रग्स होते हैं जो कि हमारे ब्लड को थिन रखेंगे, पतला रखेंगे कि जब वो क्लॉट ज्यादा ना हो, वो जो खून के अंदर बन जाते हैं क्लॉट्स, वो एग्रीगेशन हो जाता है प्लेटलेट्स का, वो ज्यादा ना हो. सो हम एंटी कोएगुलेंट, फॉर एग्जाम्पल हेपरिन, and there are different drugs also in enoxaparin and all, hum wo drugs de denge. Then how can we monitor when the patient is admitted in the ward under the moderate COVID disease? So clinical monitoring ke andar hum work of breathing, that is done by the cardiopulmonary physiotherapist, hemodynamic instability, jaise ki hum sab dekhte hain oxygen mein agar koi bhi dikkat aayi, kam hua, badh gaya, waise kam hi ho rahi hai isme. So agar oxygen kam ho gayi, it means what, ki aapka jo blood hai उसके अंदर हीमोग्लोबिन के साथ अब ज्यादा ऑक्सीजन बाइंड नहीं रही. अगर ज्यादा ऑक्सीजन बाउंड नहीं रही देन इट मींस व्हाट, कि आपके ब्लड के अंदर कोई इनस्टेबिलिटी आ रही है. सो दैट इज कॉल्ड द हीमोडायनेमिक इनस्टेबिलिटी. इसके अलावा वी विल गो फॉर द CXR, चेस्ट एक्सरे करवाएंगे, HRCT, चेस्ट का एक हाई रेजोल्यूशन CT स्कैन करवाया जाएगा, जिससे कि हमें लंग्स के पल्मोनरी टिश्यू के बारे में पता लगेगा कि कितनी वर्सनिंग वहां पर है, क्या डिग्री है डीजनरेशन की. देन CRP टेस्ट, CRP एक प्रोटीन होता है, दैट इज C रिएक्टिव प्रोटीन, जो कि हमारे लिवर से निकलता है.
जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई भी बीमारी आती है, कोई भी इंफेक्शन होता है, सो लिवर ये प्रोटीन की जो सिंथेसिस है उसको बढ़ा देगा। तो अगर हम सीआरपी टेस्ट करवाते हैं और ब्लड काउंट, KFT, किडनी फंक्शन टेस्ट एंड लिवर फंक्शन टेस्ट, दीज आर द अदर टेस्ट व्हिच वी कैन गो फॉर। देन वी हैव IL-6 लेवल। IL-6 भी एक इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर है। हमारी बॉडी के अंदर जब भी कहीं इन्फ्लेमेशन होती है, कोई भी इन्फ्लेमेशन एक हीलिंग है। जब कहीं पर भी कोई चोट लगी, वो एरिया रेड हो गया, हमें बुखार बुखार चढ़ गया उसकी वजह से, वहां स्वेलिंग हो गई, ये सब इन्फ्लेमेशन के अंदर आता है। तो जहां पर भी इन्फ्लेमेशन हो रही है वहां पर IL-6 के लेवल्स बढ़ जाएंगे। अगर आप ब्लड टेस्ट करेंगे, IL-6 के लेवल अगर बढ़ गए, देन इट मींस व्हाट, इसका मतलब ही ये है, अगर IL-6 लेवल बढ़ गए कि हम एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स दें। सेम थिंग इज रिटन अगेन एज पर द एम्स पटना गाइडलाइन, ऑक्सीजन सपोर्ट, SpO2 को हम 92% से ज्यादा रखें, एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट्स दिए जाएं जैसे कि स्टेरॉयड, प्रेडनिसोलोन, डेक्सामिथासोन थ्रू द IV रूट और इट मे बी थ्रू द ओरल रूट ऑल्सो इफ इट इज ओके, इट इज नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड। Anticoagulation, low molecular weight heparin, we can give the fondaparin. Fondaparin is a drug जो कि blood को clot होने से रोकता है। Then आप radiological investigation like CT scan, X-rays and all, blood gas analysis, electrolyte levels, इनकी checking करेंगे और जो भी antibiotics वगैरह है वो हम इसमें देंगे। Now again the same positions are explained here on the screen. जिसके अंदर यही जो हमने पहले वाले में पढ़ी, माइल्ड डिजीज के अंदर इट इज सेम, जिसके थ्रू आप अपने लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा वी हैव अ स्पायरोमीटर आल्सो। अगर आपके पास स्पायरोमीटर घर पे सबके घरों पे अवेलेबल नहीं है, यू कैन टेक अ बैलून, आप उसके अंदर हवा भरिए, उसको निकाल दीजिए, दोबारा ब्लो करिए 5 times आप दिन के अंदर, 5-5 बार, जैसे सुबह 5 बार आपने ब्लो करा, हवा निकाल दी, देन आप दिन के अंदर ऐसे 5 सेट आप जरूर करें। So lungs की capacity बढ़ेगी as well as we should follow the given guidelines by the AIIMS. So this is how we can use the pulse oximeter. You will see the result in few seconds and it will show 2 readings. One is the blood oxygen level, that is SpO2, and another is the pulse rate. तो आप देख सकते हैं कि 73 यहाँ पर पल्स रेट दिखाई गई है, 96 यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल दिखाया गया है। इसी तरीके से अगर आपका ऑक्सीजन लेवल आप घर पे डायग्नोस कर रहे हैं, अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 93 से कम है या 94 से कम आ रहा है, देन यू हैव टू टॉक एंड यू हैव टू सीक द इमीडिएट मेडिकल अटेंशन। जो नॉर्मल आपका पल्स रेट है, इट शुड बी बिटवीन 60-80 एंड इट इज 73 हियर ऑन द स्क्रीन, दैट मीन्स इट इज नॉर्मल। नेक्स्ट वन इज दी सिवियर डिजीज। अगेन सिवियर, नाम से पता लग रहा है कि यार बहुत खतरनाक है, और हम इमेज भी देख रहे हैं तो इससे पता लग रहा है कि अलॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशन आर देयर एंड इट रिक्वायर दी ICU। SpO2 आपका पल्स ऑक्सीमीटर पे 90 से भी कम चला गया है, 90 से नीचे चला गया, एंड रेस्पिरेटरी रेट इट इज मोर देन 30 per minute। सो इन दिस सिवियर डिजीज जो मैनेजमेंट है उसके लिए यू हैव टू गेट एडमिटेड इन दी ICU इंटेंसिव केयर यूनिट, जहां पर रेस्पिरेटरी सपोर्ट वेंटिलेटर पे आपको लटाया जाता है जो भी पेशेंट है। नाउ कंसीडर द यूज ऑफ NIV, हेलमेट या फेस मास्क वगैरह, जो भी ये कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। जब भी कहीं कोई हॉस्पिटल है, कहीं मैनेजमेंट हो रही है, कहीं ट्रीटमेंट हो रहा है, तो वो किसी पर्टिकुलर प्रोटोकॉल के बेसिस पे होता है। तो यहाँ पर भी एक कन्वेंशनल जो पुराना ARDS एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का नेट प्रोटोकॉल दिया गया है वेंटिलेटरी मैनेजमेंट का, उसी को यूज करा जाता है। और वेंटिलेशन जो है पेशेंट की वो मैकेनिकली करवाई जाती है, क्योंकि उसके लंग्स अब इतने ज्यादा डिजनरेट हो गए हैं सीवियर डिजीज में कि he or she, there's a lot of difficulty in the body to breathe. Again, we can give the anti-inflammatory or immunomodulatory therapy by the methylprednisolone injections and all. Anticoagulations are given after the D-dimer test. Again, यही है कि ये जो ड्रग्स होते हैं ये वेट पर बेस्ड होते हैं कि बॉडी का कितना वेट है, जो पेशेंट है उसका वेट कितना है। सो वी कैन गिव द हेपरिन एंड ऑल द अदर ड्रग्स। नाउ एडमिट इन द ICU सपोर्टिव मेजर्स आर आल्सो डन, लाइक मेंटेन द यूवोलेमिया इफ अवेलेबल। यूवोलेमिया क्या है कि हमारे ब्लड या बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स है उनमें कमी हो गई है,
कुछ डिसफंक्शनिंग की वजह से, बॉडी में पैथोलॉजी की वजह से जो फ्लूड्स है उनका लॉस हो गया है, या कोई भी ऐसी पैथोलॉजी हुई कि हमारा एक जो बैलेंस था फ्लूड का वो बिगड़ गया, सो हम उस यूवोलेमिया को मेंटेन करके रखेंगे। सेप्सिस या सेप्टिक शॉक, जब भी बॉडी के अंदर बाहर से कोई भी बीमारी फैलाने वाला जीव एंटर करता है, ऑर्गेनिज्म एंटर करता है, तो हमारी बॉडी के हार्ट पर वो जाकर ऐसे इफेक्ट करता है कि जो दिल है वो खून को हर जगह पहुंचा नहीं पाता, हार्ट जो है वो पंप नहीं कर पाता ब्लड को, एक फेलियर हो जाता है हमारे हार्ट का कि ब्लड हर जगह हर एक टिश्यू को परफ्यूज नहीं कर पा रहा, दैट इज कॉल्ड द सेप्टिक शॉक। तो अगर सेप्टिक शॉक हो गया है कहीं पर बॉडी के अंदर ब्लड की कमी हो रही है, देन वी कैन मैनेज इट एज पर द एग्जिस्टिंग प्रोटोकॉल या जो भी हमारे पुराने इसको मेंटेन करने के प्रोसीजर्स हैं। एंड अगेन द मॉनिटरिंग CXR, दैट इज चेस्ट एक्सरे HRCT, इट शुड बी डन ओनली इफ द डेटेरिएटिंग। लैब मॉनिटरिंग करी जाती है, इसके अंदर CRP एंड डी डाइमर के जो टेस्ट होते हैं ये 24 to 48 hours के बीच बार बार करे जाते हैं, 1 to 2 days बाद रेगुलर करे जाएंगे। देन CBC, KFT, LFT डेली करा जाएगा। IL-6 लेवल ये मैंने आपको पहले बता दिए। नाउ हेयर अगेन आई वॉन्ट टू एड द सेम पॉइंट कि जब भी कोई माइल्ड डिजीज है, मॉडरेट है या सिवियर है, एक चीज का जरूर ध्यान रखें कि आपकी बॉडी में इमोबिलिटी लंबे समय तक ना हो। अगर लंबे समय तक आपकी बॉडी में इमोबिलिटी रही, देन व्हाट विल हैपन कि जब आप ठीक हो जाएंगे, रिकवर हो जाएंगे, तो आपको चलने फिरने में बहुत ज्यादा असिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, लोगों के सहारे की, इवन आप चीजों को पकड़ के चलेंगे, क्योंकि जब आप 17 days तक क्वारंटाइन में है, होम आइसोलेशन में, आप अपने अपर लिम को हम यूजुअली मूव करते हैं, फोन चला लिया, खाना खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अपर लिम को हम यूज कर रहे हैं, बट वी आर नॉट यूजिंग द लोअर लिम प्रॉपरली। तो 17 days तक के लिए आपने अपने लोअर लिम को जाम कर लिया, तो उसको जाम नहीं होने देना, आप अपने लोअर लिम को मूव करते रहें, चाहे बेड पे लेटे लेटे ही आप अपनी लातों को लिटल बिट मूवमेंट में जरूर रखें, या अपने कमरे में ही एटलीस्ट दिन के अंदर 2-3 चक्कर जरूर लगाएं। सो उसके साथ जो भी आपके मसल की स्ट्रेंथ है वो बनी रहेगी। सो हेयर वी इट्स 38 मिनट, सो आफ्टर 2 मिनट द मीटिंग विल गेट एंड, सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन द मीटिंग वंस अगेन एंड वी विल स्टार्ट द पीडियाट्रिक एस्पेक्ट ऑफ द COVID-19। Okay, now I would be telling you a group of people who are actually at a higher risk of getting COVID due to any of the prevailing ailments. And your network is not good. Just a minute. They include Simran. Kindly start again. Yes, sir. Please remove your lead if possible. Maybe there are some network issues due to that. Getting infected by COVID due to any of the prevailing ailment or due to any of their immunity deficiency. They include people with high blood pressure or hypertension, coronary artery disease or arrhythmia, diabetes, kidney diseases, asthma, chronic pneumonitis, cystic fibrosis, liver cirrhosis, chronic hepatitis, immunodeficiency, and as well as obesity. Now I, Simran Hooda, a student of BPT from GGSIPU, would like to ask some questions regarding pediatric COVID to Priyanshi ma'am, because as we know, the new mutant variety is affecting children a lot. So mothers as well as the family members are very worried about how to take care of their children in this pandemic. So my first question to you is, ma'am, that what measures can I take to prevent my child from having COVID infection? We all know that mothers as well as the family members are really worried. And jo bacche hain, they get very irritated. They do not put on masks for a longer duration. And newborns cannot put masks. So what can we do to prevent them from getting infected? Thank you so much, Simran. Am I audible? Yes, ma'am, you're audible. Yes, absolutely. The rising number of coronavirus cases in the country and the new variant of the virus has caused
panic among the masses. We all know that second wave is much more than dangerous as compared to the first wave, or symptoms bhi badh gaye hai second wave. As you ask the question, how can a parent protect his or her child from this life-threatening virus? So when you are expecting or are parent of newborn, it's natural for you to be extra concerned about your little one. You surely will try everything in your capacity to keep the baby protected. But the thing in new virus is very unpredictable. 12% of children are getting affected in this, according to the studies, and suffered from mild to moderate disease. Severity is less, that is good thing, but mild and moderate disease abhi bhi hai, aur ho sakta hai ki aane wali waves mein bachchon mein zyada severity occur ho. So mild presentation includes cold, cough, high fever, loose motions, diarrhea, just like in common illness. तो हम इग्नोर भी कर देते हैं सिम्टम्स को. हम सोचते हैं कि एक कॉमन बीमारी में खांसी जुकाम होता है, डायरिया, लूज मोशंस हो सकते हैं, तो वी मे गेट इग्नोर द सिम्टम. बट हमें ऐसा नहीं करना है. अगर ऐसा होना होता है तो हमें तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना है और आइसोलेशन का प्रोसेस स्टार्ट करना है. सिवियरिटी कैन बी सीन इन कोमॉर्बिड कंडीशंस. कोमॉर्बिड कंडीशंस मतलब क्या? अगर किसी बच्चे को, किसी इंडिविजुअल को बचपन से ही कोई और बीमारी है, जैसे उसको हार्ट की कोई कॉम्प्लिकेशन है या पल्मोनरी कोई कॉम्प्लिकेशन है, जैसे अस्थमा हो गया, या वो उस बच्चे का वेट जो है वो प्रीटर्म बेबी है, वेट कम है, या फिर माल नरिश बेबी है, तो इन सब में जो सिवियरिटी है उसकी रेट जो है वो इंक्रीज हो जाती है. सो बाई टेकिंग ऑल द बेसिक प्रिकॉशंस वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्फ. आपने कहा कि जो 2 साल के बच्चे हैं वो मास्क नहीं लगाते हैं, या 2 साल से कम बच्चे इरिटेट हो जाते हैं, 2 साल से ज्यादा बच्चे भी इरिटेट हो जाते हैं. तो जो बच्चा कोऑपरेटिव है, हमें पूरी कोशिश करनी है कि हम उसको मास्क लगाए और बेसिक हाइजीनिक प्रैक्टिसेस सिखाए. जो बच्चे छोटे हैं हमें उनका खास तौर से ध्यान रखना है. उन्हें घर से बाहर लेके नहीं जाना है या घर से बाहर कहीं भी नहीं भेजना है. सो बाय ऑल दीज मेथड वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्फ एंड आवर लव्ड वंस. Okay, ma'am. My next question to you is, what should I do if a family member has been COVID positive? This situation is prevalent in many families in today's time. Agar family mein koi bhi positive hota, it creates a very panicky situation for the family. Us time sab panic mein hota, and they don't know how to prevent themselves and also side by side take care of the patient. So what measures can be taken so that the proper care can be taken of the patient as well as they can prevent themselves from getting infected? See, agar koi family member ya koi parent jo hai wo covid positive hai aur child unka symptom show nahi kar pa raha hai, to hame 3-4 dinon tak wait karna hai ki bacche mein observe karna hai ki usme symptom aa rahe hai ya nahi aa rahe, kaun se symptom aa rahe hai, mild symptoms hai, moderate symptoms hai ya severe symptoms hai, un sab data ke according jo humne abhi padha hai. तो हमें वेट करना है सिम्टम्स के लिए. अगर सिम्टम बढ़ते हैं तो हमें तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना है उसकी मेडिकेशंस के लिए. और अगर बच्चा छोटा है, सिम्टोमेटिक है, तो पेरेंट बच्चे के साथ रह सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे की केयर वो खुद नहीं कर पाएगा, किसी पेरेंट को ही उसकी केयर करनी पड़ेगी. तो वो पेरेंट जो कोविड पॉजिटिव है वो बच्चे को अपने साथ रख सकता है, लेकिन उसको डिस्टेंस मेंटेन करना है, प्रॉपर हैंड वॉशिंग टेक्निक, बार बार हाथ धोने हैं, बच्चे के हैंड वॉश कराने हैं, प्रॉपर एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बना के रखना है और हाइजीन प्रैक्टिसेस मेंटेन करनी है. और एक चीज जो पेरेंट जो है वो गलती हमेशा करते हैं कि वो अपने बच्चों को उनके कोविड पॉजिटिव आते वक्त बच्चों को किसी और के घर भेज देते हैं, स्पेशली वो अपने दादा दादी, नाना नानी या किसी भी क्लोज वन के घर भेजते हैं, जो कि हमें नहीं करना है. क्योंकि हो सकता है कि कोविड ने बच्चे को माइल्डली इफेक्ट किया हो, लेकिन वो ओल्ड एज में ओल्ड एज लोगों को या किसी और को सीवियरिटी से इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि बच्चा अपने इंक्यूबेशन पीरियड में आ चुका है. इसलिए ये गलती हमें नहीं करनी है. बच्चे को हमें अपने ही घर में लेकर प्रिकॉशंस और आइसोलेशन शुरू करना है. और फैमिली, बच्चा अगर बाहर भी खेलने जा रहा है तो उसकी इंडोर एक्टिविटी स्टार्ट करानी है, आउटडोर एक्टिविटी बिल्कुल बंद करनी है. पूरा अगर कोई कोविड पॉजिटिव है फैमिली मेंबर या कोई भी, तो हमें टाइम के टाइम उसका टेम्परेचर चेक करना है, ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल चेक करना है, पल्स चेक करनी है, पूरा प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी है. अगर हमें लगता है कि सिम्टम्स जो है वो कंट्रोल में है, तो हम खुद ही करवा लेंगे सिम्टम्स और हर एक मेंबर का
कोविड पॉजिटिव टेस्ट कराएंगे ताकि हमें पता लग जाए कि किसको कोविड है, किसी को नहीं है, किसको नहीं है। उनका बाथरूम जो है बिल्कुल सेपरेट कर देंगे, जिसमें वो खाना खाते हैं वो बर्तन ग्लास और ग्लासेस वगैरह जितने भी टॉवल्स है क्लोथ्स है सबको हम बिल्कुल सैनिटाइज करके अलग करके और हर एक चीज को प्रॉपर सैनिटाइजिंग कर रहे हैं, जिसको भी वो टच कर रहे हैं उसको सैनिटाइज करके सब चीजों को करके डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी बहुत जरूरी है अगर किसी फैमिली मेंबर को कोविड है। और बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, क्योंकि जितना आप पॉजिटिव सोचोगे उतना ज्यादा आपको स्ट्रेंथ मिलेगी कोविड से लड़ने की। सो बी पॉजिटिव। ओके मैम, माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, डू ऑल चिल्ड्रन टू बी टेस्टेड फॉर कोविड-19? एज यू टोल्ड अस, अ 12% रेट इज इन द चिल्ड्रन फॉर टेस्टिंग कोविड पॉजिटिव। सो इज इट नेसेसरी कि हम हर बच्चे का टेस्ट कराएं ड्यू टू द रेट इंक्रीजिंग? नो, इट्स नॉट नेसेसरी। अगर बच्चा माइल्ड और मॉडरेटली इफेक्ट है तो वो घर पे भी ट्रीट हो सकता है। लेकिन अगर किसी को पहले से, जैसे मैंने आपको कोमॉर्बिड कंडीशंस बताई, या किसी को कोई और प्रॉब्लम हो रही है या सीवियरिटी बढ़ती नजर आ रही है, कोई सांस नहीं ले पा रहा है, तो हमें आईसीयू की जरूरत पड़ सकती है। तो हमें पहले उसकी कंडीशंस को ऑब्जर्व करना है और ग्रेड ऑफ सीवियरिटी के अकॉर्डिंग उसको ट्रीटमेंट दिलवाना है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है अगर सीरियस कॉम्प्लिकेशंस होती है जैसे ब्रीथिंग प्रॉब्लम या कोई भी पल्मोनरी रिलेटेड डिजीज होती है तो ही जरूरी है कि आइसोलेशन आईसीयू में हम करवाए, वरना अदरवाइज वी कैन ट्रीट एट होम ऑल्सो। ओके मैम, माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, what should I do if my child has symptoms of COVID? This is the most prevalent question कि अगर किसी बच्चे को COVID हो जाता है तो a mother cannot resist being away from the child. We know in the Indian families it is prevalent, a mom cannot leave a child alone. तो उस time पे how can she take care of the child and all, as well as of the family members? Yes, first of all, जो इसकी basic key है कि आपको पैनिक नहीं करना है, डोंट पैनिक, थिंक पॉजिटिव, केयर ऑफ चाइल्ड। अगर बच्चा आपका छोटा है, बहुत छोटा है, तो उसकी तो बहुत ही ज्यादा केयर करो, वही सेम थिंग्स की पॉजिटिव हाइजीन टेक्निक्स बनाओ, हैंड वॉशिंग प्रॉपरली करवाओ, इम्यूनिटी बूस्टर्स दो बच्चे को, जितना फ्रूट और वेजिटेबल डाइट दे सकते हैं उतनी डाइट देनी है, फ्रूट जूसेस, लेमन जूसेस, कोकोनट वाटर, ये सारी चीजें हमें उसे प्रोवाइड करनी है। हमें मार्केट के आर्टिफिशियल जूसेस उसे नहीं देने हैं, जितना नेचुरल थिंग्स हो सकती है उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हमें वो सारी चीजें यूज करनी है। वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट हेयर इज की एक्सरसाइज, अगर बच्चा कोऑपरेटिव है तो हमें उसे अपने पास बिठाना है और ब्रीथिंग एक्सरसाइज करवाने की पूरी कोशिश करनी है, क्योंकि ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस जो है वो हेल्प करेगी उसके लंग्स की पावर बढ़ाने में, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन रेट जो होगी वो उसकी अच्छी होगी और इम्यूनिटी तो अच्छी होगी ही होगी। तो हमें कोशिश करनी है कि एक्सरसाइज हम करवाए जितनी हो सकती है। वन क्वेश्चन ऑलवेज कम्स इन मदर माइंड अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग, कि वो ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते, वो हमेशा वरिड रहती है कि अगर मैं कराऊंगी और मेरे बेबी को कोविड हो गया तो ऐसा स्टडीज के अकॉर्डिंग देखा गया है कि ब्रेस्ट फीडिंग करवाने से बच्चे को कोविड नहीं हो रहा है। सो बाय टेकिंग ऑल द प्रिकॉशंस बच्चे को टच करने से पहले वो ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकती है। सो रिसर्चर्स और डाटा के अकॉर्डिंग ब्रेस्ट फीडिंग हम करवा सकते हैं अगर मदर पॉजिटिव है बाय टेकिंग ऑल द प्रिकॉशंस। ब्रेस्ट फीडिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, ये मदर को भी बेनिफिट देती है एज वेल एज चाइल्ड को भी। एक सबसे बेस्ट एडवांटेज तो इसकी यही है कि न्यूट्रिशनल सुपीरियरिटी होती है, बच्चे को हर एक न्यूट्रिशन इसमें मिल जाता है ब्रेस्ट फीडिंग में। तो और ब्रेस्ट फीड के पास इम्यूनोलॉजिकल सुपीरियरिटी भी होती है, मतलब क्या है कि ब्रेस्ट फीड में प्रोटेक्टिव फैक्टर्स होते हैं जो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या कोई भी पैथोजन है उससे लड़ने में मदद करेगा, डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करेगा बॉडी को। प्रोटेक्टिव फैक्टर्स जैसे कि इम्यूनोग्लोबिन ग्लोबुलिंस, आईजीए, मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स, लैक्टोफेरिन, बायोफिडस फैक्टर और लाइजोजाइम एंड मैनी मोर एंजाइम्स ऑल्सो, जो कि बेबी के इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा करेंगे और उसको एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म प्रिवेंट करेंगे, प्रोवाइड करेंगे ताकि बच्चा बचा रहे। ऑल्सो प्रोटेक्शन ये देता है अदर इलनेस से, कोई एलर्जी है या कोई ईयर की एलर्जी है, ऑर्थोडोंटिक प्रॉब्लम्स है या कोई डेंटल प्रॉब्लम है, तो इन सब से भी प्रिवेंशन मिलता है बच्चे को अगर ब्रेस्ट फीडिंग होती है तो। हार्ट डिजीज
और लीवर डिजीज, डायबिटीज, इन सबके चांसेस बच्चे में कम होते हैं अगर कोई ब्रेस्ट फीड बेबी होता है तो. और वन मोर थिंग इज दैट कि आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होता है ब्रेस्ट फीड बेबी का एज कम्पेयर टू अदर बेबीज. मदर को बेनिफिट कैसे मिलता है कि उनको जो पोस्टपार्टम हैमरेज होने के चांसेस होते हैं वो इसमें रिड्यूस हो जाते हैं. एंड यूट्रिन इन्वॉल्यूशन में ये हेल्प करता है, कैंसर ऑफ ब्रेस्ट एंड ओवरी के कैंसर के चांसेस ये कम करता है. सो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो है वो अपने बेबी को करा सकती है, इसमें कोई डेंजर वाली बात नहीं है. एंड आपको कोई भी मेडिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं करनी है बिना डॉक्टर के कंसल्ट करे, क्योंकि हर किसी की बॉडी, हर एक बच्चे की बॉडी अलग होती है, उसके बॉडी के मैकेनिज्म अलग तरीके से चलते हैं, बॉडी वेट अलग होता है. तो ये सारी चीजों को देखकर आपको कंसल्ट नहीं करनी है कोई भी मेडिकेशन. अगर बच्चे में बहुत ज्यादा सीवियर सिम्टम आते हैं तो एडवाइस लो आप अपने डॉक्टर से. और आप खुद से सिर्फ पैरासिटामोल दे सकते हैं, जो कि आप तो दे दोगे तो उसका कोई नुकसान नहीं है. सिरप के फॉर्म में 10-15 mg पर केजी पर डोज के अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं. तो आपको स्लाइड्स में वो भी दिखेगा कि अलग अलग एज के ग्रुप के अकॉर्डिंग, वेट के अकॉर्डिंग सिर्फ पैरासिटामोल की डाइट लिखी हुई है. सो बाय ऑल दीस थिंग्स. ओके मैम, माय लास्ट क्वेश्चन टू यू इज, do all children develop severe COVID infection requiring admission in ICU? We know कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी immunity is not very well sufficient. तो अगर उनको वो encounter करते हैं infection से, तो do they develop severe infections that they require admitting in intensive care unit? No, mild and moderate cases do not need ICU, but get care right away if your child has severe. I'm sorry. Okay, am I audible? Yes, ma'am. केसेस में आईसीयू की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर बच्चे को ट्रबल हो रहा है ब्रीथिंग में, उसके आईज नेल्स जो है, नेल बेड्स जो है वो ब्लूइश कलर के हो रहे हैं, उनमें साइनोसिस के सिम्टम्स है, तो यस आईसीयू की जरूरी नीड है. और आजकल बहुत स्टडीज में, न्यूज़पेपर्स में, न्यूज में हर एक जगह चल रहा है, हर एक जगह आप देख सकते हो MISC. MISC क्या होता है? होता है मल्टी सिस्टम इंफ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन. उसमें आईसीयू की नीड हमें जरूरत पड़ रही है. क्यों? क्योंकि ये एक इंफ्लेमेटरी सिंड्रोम होता है, इसमें ये बहुत सारी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस ला सकता है, जैसे कि ये इंफ्लेमेशन करवा देगा हार्ट का, किडनी का, लीवर का, और आई को ये ब्लू कर देगा, स्किन को ब्लू कर देगा, GIT कॉम्प्लिकेशंस, कंफ्यूजन्स, न्यू कंफ्यूजन्स, और इनएबिलिटी टू वेक और स्टे वेक. और एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग ऐसा भी देखा जा रहा है कि न्यू बॉर्न्स में जो ये MISC हो रहा है, ये COVID-19 की एंटीबॉडीज जो बन रही है उस पे साइड इफेक्ट की वजह से हो रहा है. सो न्यू बॉर्न बेबी कुड बी कोविड एंटीबॉडी साइड इफेक्ट. इंडिकेशन क्या होगी इसकी कि बच्चा वीक क्राई करेगा या शॉक में चला जाएगा, मतलब शॉक मतलब कि प्रॉपर साइनोसिस नहीं हो पाएगा, साइनोसिस हो जाएगा और इशेमिया, ब्लड फ्लो वगैरह प्रॉपर नहीं हो पाएगा उसकी बॉडी में, और लो हार्ट पंपिंग होगा. सो आई विल से कि बी इंफॉर्म, बी प्रिपेयर, बी स्मार्ट, बी सेफ एंड बी रेडी टू फाइट अगेंस्ट कोविड. And for this, wash hands frequently, use mask, use double mask, use PPE kits, and take all the preventive measures, avoid crowd, take nutrition diet, vitamin C and immunity boosters. So stay alert, stay healthy. Thank you so much. We are all together in this. Thank you, Simran. Thank you so much, ma'am. Now I would like to express my sincere gratitude towards All India Institute of Medical Sciences to upload these resources and protocols on their behalf to guide and to create awareness in the community. We were able to proceed to this webinar so smoothly with the help of these resources, which are Clinical Guidance for Management of COVID-19 version 2.0, uploaded on 22nd April 2021 by AIIMS Delhi, and Standard Creating Procedure and Handbook for COVID-19 Management, COVID-19 Management Protocol Update Version 4, uploaded on 21st April 2021 by AIIMS Patna. Now, if
any of the participant has any of the query, please put them down in the chat box. We'll be trying our best to answer your queries. Ma'am, good evening. Am I audible to you? Yes, you're audible. Sanjeev, yes, you're supposed to text your question. Yes, Sanjeev, you can speak also. I already text, but Mr. Abhishek asked me to just... You can speak. Yes, Sanjeev. Please speak up your question. Sir, mere do sawal hain. Pehla sawal to ye hai ki preventive maintenance ke taur pe hame kya kuch khana chahiye? To just build up our immune system strong. दूसरा, if patient is moderate category में है, अगर वो positive, तो उस time में उसको क्या diet देनी चाहिए ताकि वो recover जल्दी करे और उसको जो एक weakness वाला जो problem है ना वो ना हो. Yes, see, diet is the best medicine, right? So proper nutrition and hydration, these are vital and most important things nowadays. जो लोग एक balanced diet ले रहे हैं as compared to the other one, they are more they have healthier immune system than the others one, and they have lower risk of the chronic illnesses, right? So, सबसे पहले तो चीज़ ये है कि चाहे mild हो, चाहे moderate हो या severe हो, चाहे आपको disease ना भी हो, as a preventive measure, you should take fruit, vegetable, all the legumes, and these the source by which I am speaking is World Health Organization. अब यहाँ पर एक चीज है कि हम सब बोलेंगे कि यार हम वेजिटेबल तो पहले भी ले रहे हैं, फ्रूट्स तो पहले से भी ले रहे हैं, नया क्या है इसके अंदर. सो नया यहाँ पर ये है कि आप जो भी फूड ले रहे हैं उसको ओवर कुक ना करें. ओवर कुक इन द सेंस कि अगर आप बहुत ज्यादा कोई ठंडे खाने आपने मतलब खाना है पहले बनाया, आप उसको फिर कुक कर रहे हैं, फिर आगे बना रहे हैं, देन व्हाट विल हैपन कि जो उसके अंदर इम्पोर्टेंट विटामिंस है दे विल गेट लॉस्ट, वो खत्म हो जाएंगे. इसके अलावा वाटर हाइड्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. डेली 8 to 10 कप्स ऑफ वाटर पीना बहुत जरूरी है. अगर आप नहीं भी ले रहे हैं ये वाटर, देन यहाँ पर एक पॉइंट है कि आप इस चीज का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि हम पूरे दिन में 8 या 10 ग्लास पानी साथ में ले लेकर नहीं घूम सकते. तो आप सुबह एक 1 लीटर की या 1.5-1.5 लीटर की बॉटल भर के रख सकते हैं. यूजुअल जो हमारा एक डेटा है उसके अकॉर्डिंगली डेली आपको 2.2 लीटर वाटर का इनटेक करना होता है, जिसके अंदर पानी अलग से भी होगा, एज वेल एज कुछ वेजिटेबल्स या कुछ फ्रूट्स हम लेते हैं, टी कॉफी ये सब चीजें लेते हैं, इनके अंदर का जो वाटर कंटेंट है वो भी इस 2.2 लीटर के अंदर इंक्लूड करा जाएगा. सो जो भी आप ये ले रहे हैं 2 से 4 जो वाटर है 2 से 8 कप आप एक बॉटल भर के रख सकते हैं. इसके अलावा फ्रूट्स, डायरेक्ट फ्रूट्स लीजिए इंस्टेड ऑफ द जूसेस, चाहे वो किसी भी कंपनी के हो. There are so many companies, I'm not revealing the names here. क्योंकि हर एक कंपनी के जूस के अंदर the preservatives are there, right? So जो preservatives हैं वो खराब करते हैं जो भी आपकी बॉडी के अंदर है, जो भी फ्रूट्स के अंदर के बेटर वाइटामिन है उनको कम करेंगे. एंड the basic thing is avoid eating out. If you are not feeling well, please don't go out. Don't order the online food through Swiggy and Zomato, जो आजकल का फैशन बन गया है. इसके अलावा जो डाइट आप नॉर्मली ले रहे हैं वही लीजिए, एज सच उसमें कोई इशू नहीं है कि आप डाइट के अंदर ऐसा क्या खास इंक्लूड करेंगे. ये सब ज्यादा नमक नहीं लेंगे, ओवर कुक नहीं करेंगे ज्यादा, ठीक है. कैंड जो चीजें हैं कैन के अंदर या ड्राई वेजिटेबल्स फ्रूट्स हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स. लेकिन आप ऊपर से सॉल्ट शुगर इस टाइम पर ये चीजें ऐड ना करें. लाइट फूड खाएं, ज्यादा दलिया खिचड़ी लाइक दिस, केनोवा इज ऑल्सो देयर, बट अवॉइड द पूरियां वगैरह या परौंठे जो खाते हैं, तले हुए चीजें, ऑयली चीजें, फैट्स वाली चीजें, इन सब चीजों को रेजिस्ट करा जाए. एज नुकसान तो कुछ नहीं होगा, लेकिन बस इट विल क्रिएट द नौशिया फीलिंग टू यू एंड यू विल फील डिसकंफर्ट, राइट. नाउ द सेकंड क्वेश्चन ऑफ यू इज हाउ कैन वी गिव द डाइट इन द माइल्ड डिजीज, राइट. सो इन द मॉडरेट डिजीज, सो व्हाट हैपेंस कि जब किसी को भी मॉडरेट डिजीज है, अगर किसी को भी मॉडरेट डिजीज है, सो उसकी बॉडी ऑलरेडी बहुत ज्यादा वीक हो चुकी है. अगर आप उसको खाना दोगे भी सो लिटिल बिट में भी उसके डाइजेशन में कोई इशू आ गया है, क्योंकि जीआई मैनिफेस्टेशंस भी देखी गई है कोरोना वायरस के अंदर. तो ऐसी जब भी कोई दिक्कत आए कि आप मॉडरेट डिजीज के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है,
then you should control it. How you can control it? We can take the Zincovit tablets, right? Zincovit ki maine jo aapko medications batai, kai bari multivitamins leni hi padti hain. क्योंकि जितने आपको विटामिन नहीं मिल पा रहे हैं अगर आपके एडिक्वेट डाइट में नहीं है यू हैव टू टेक इट फ्रॉम द आउटसाइड राइट सो आपको ये मल्टीविटामिन की जो सप्लीमेंटेशंस हैं गो फॉर इट जिंकोविट है विटामिन सी की टैबलेट्स है लिमसी नाम से एक टैबलेट आती है जिसको च्यू करते हैं दिन में एक या दो बारी सो ये जो लिटिल बिट मेडिकेशन है ये सही हो जाएंगी रही बात सिवियर डिजीज की कई बार ऐसा भी देखा गया है सिवियर डिजीज के अंदर कि जब ऑक्सीजन चढ़ रही होती है या फिर किसी तरीके से जो बिल्कुल अनकॉन्शियस है अगर पेशेंट उसको बहुत ज्यादा ओवर डिस्कम्फर्ट हो गया है तो वो वेंटिलेटर पर है राइट सो उस टाइम पर हमें पेरेंट्रल रूट का मतलब हमें इंट्रावेनियसली ही जो भी हम फूड दे रहे हैं उसको इंजेक्शन के द्वारा ही देना पड़ेगा जो हम ग्लूकोज देते हैं बेसिकली डेक्सट्रोज हम देते हैं उसके अंदर जो भी अमाइनो एसिड जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो हम थ्रू द आईवी रूट डॉक्टर देंगे सो आईसीयू का रोल तो वैसे ही अलग हो गया होम आइसोलेशन की डाइट मैंने आपको बता दी कि आप ओवर कुक ना करें ज्यादा शुगर ज्यादा सॉल्ट ना लें पानी का ध्यान रखें हाइड्रेशन नारियल पानी वगैरह जो भी है वाटर जरूर लें अगर आप ज्यादा पानी नहीं पी पा रहे हैं शरबत बना के पीजिए गर्मियां हैं ग्लूकोन डी यूज कर लीजिए टैंग यूज कर लीजिए इसके अलावा यू कैन यूज द हाइड्रेटेड फ्रूट्स ऑल्सो लाइक वाटर मेलन ठीक है एंड द मस्क मेलन डिफरेंट फ्रूट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट राइट सो गो विद द प्रीवियस डाइट जो हम पहले से लेते आ रहे हैं वही लीजिए ऐसा कुछ नहीं है कि आप डाइट चेंज कर देंगे या कुछ हो जाएगा सप्लीमेंटेशन का ध्यान रखें होप योर क्वेरी इज क्लियर थैंक्स अमन जी थैंक यू ओके तो पॉइंट इज की द एंटायर पॉइंट ऑफ व्हाट अमन सेड इज की आपका डाइजेस्टिव सिस्टम शुड नॉट बी अंडर स्ट्रेस वेदर यू आर पॉजिटिव और नॉट दैट्स व्हाट ओके is really essential. Sorry, Madhav, to interrupt you. I just want to add one more point according to the medical science. जब किसी को डायरिया होता है, loose motions होती हैं basically, अगर हम common भाषा में बात करें, तो क्या होता है कि वो खाना छोड़ देते हैं कुछ time के लिए. वो कहते हैं यार मुझे already loose motions है, I can't eat more. मुझे और दिक्कत हो सकती है. ये एक बहुत बड़ा myth है इस time का, rumor है कि जब आपको loose motions है, what happened कि आप loose motions के through, stools के through आपके जो गट के अंदर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो बहुत ही जरूरी एंजाइम्स होते हैं सम सैक्राइडेसिस आर देयर वो बॉडी से निकल जाते हैं अगर आप कुछ नहीं खा रहे सो अगर आप डायरिया में डर के मारे या कॉन्स्टिपेशन या ऐसी किसी भी सिचुएशन के अंदर जो आपको जीआई मैनिफेस्टेशन है आप उसकी वजह से खाना छोड़ रहे हैं सो यू आर मेकिंग योर डाइजेस्टिव सिस्टम मोर वर्स्ट राइट आप उसको सही नहीं कर रहे हो सो ध्यान रखना कि जब भी हम खाना खाते हैं निकलते हैं स्वालो करते हैं तो बॉडी के जीआईटी के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं अब आप एक बहुत बेसिक एग्जांपल अगर मैं दूं तो बहुत सरप्राइजिंग बात है ये कि अगर हम जब खाने को निगलते हैं उस टाइम हमारे लिवर के अंदर से कुछ सिक्रीट होता है ठीक है सो हम खाने को निगल रहे हैं और लिवर कहाँ पर है सो इसका बेसिक मतलब ये है कि हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आपस में इंटरकनेक्टेड है इसका जो कनेक्शन है ये एक ही चीज से सही रहेगा दैट इज द फूड यू आर टेकिंग थ्रू द ओरल रूट एंड इट इज अ ब्लेसिंग इफ यूर ओरल रूट इज नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड आपको ग्लूकोज नहीं चढ़वाने पड़ रहे तो प्लीज यूटिलाइज इट आप उसको यूज करिए और अपने ओरल रूट के थ्रू जितनी भी आप ले सकते हैं गुड डाइट वो लीजिए राइट सो वी हैव वन मोर क्वेश्चन दैट इज देयर एनी चांसेस ऑफ अ कोविड पॉजिटिव मदर डिलीवरिंग अ कोविड पॉजिटिव चाइल्ड ओके सो कोविड पॉजिटिव मदर अभी मैंने रिसेंट अभी कुछ डेटा पढ़ा तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये देखा कि जो भी कोविड है अभी एक रिसेंट डाटा के अकॉर्डिंग ये है कि एक छोटा बेबी है जो जस्ट न्यूबॉर्न था उसको कोविड था होते ही एंड आफ्टर 17 डेज वो सही हो गया सो यस इट मे बी देयर लेकिन एक और चीज यहाँ पर आई वांट टू ऐड जैसे मैंने प्रियांशी मैम ने अभी यहाँ समझाया कि आजकल के टाइम पे मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन चल रहा है MIS इन दी चिल्ड्रन राइट So, होता क्या है कि मान लीजिए मदर कोविड पॉजिटिव है अगर मदर कोविड पॉजिटिव है तो मदर की बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो उस कोविड से लड़ने के लिए अपनी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनाएगा वो एंटीबॉडीज बच्चे की बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय कर रही है लिटिल बिट ये जो रिसेंट डेटा है उसके अकॉर्डिंग देखा गया है सो बच्चे के जो सिस्टम्स हैं उसके अंदर फेलियर आ रहे हैं दैट इज द मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी डिजीज इन द चिल्ड्रन यस
So, Priyanshi ma'am, aapne pediatric ka bola, if you want to add anything. अभी बहुत सारी स्टडीज चल रही है कि क्या प्लेसेंटा के थ्रू कोविड पास हो रहा है, ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू, जैसे ब्रेस्ट मिल्क वाला पॉइंट मैंने आज किया, तो इन्फ्लेमेशन जो है वो हार्ट में, लीवर में, इन सब जगह पे स्वेलिंग प्रोड्यूस होगी, जिस वजह से हर एक ऑर्गन की कॉम्प्लिकेशन अराइज होना शुरू होगी. ये सारी स्टडीज अभी चल रही है और ऐसा देखा गया है कि जो न्यूबॉर्न बेबी बॉर्न हो रहा है उसमें पहले से ही कोविड हो रहा है मदर के थ्रू. ऐसा आजकल आप बहुत न्यूज देख रहे होंगे, आर्टिकल्स आप पढ़ रहे हो, तो ऐसा हो सकता है. और बाकी इस पे रिसर्च चल रही है तो फिर हमें पता लगेगा और आगे क्या. एनी अदर क्वेश्चन टू एनीबॉडी? ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. So thank you so much our juniors Madhav Sharma from ISIC and Simran Hooda from BCIP. Thank you sir. आप दोनों की वजह से ये हमारा possible हो पाया है, इतना अच्छे से आपने इसको चलाया, इतने अच्छे से introductions दिए. So thank you so much for joining us. And over to you Madhav, I think so the next slide is yours. Right. So we really hope that most of your doubts and resistances have been dealt with, and we would also like to inform you that soon we plan to conduct a similar webinar talking about the vaccine drive and various choices of vaccine. And like Simran added, during a technical glitch, we are all masked even during we are conducting the webinar from the comforts of our home. Yeah, this is just for creating an awareness and for you, please. Just for creating an awareness. I'm just reading one thing on the Google here, that wearing a face mask, it is better than wearing a ventilator mask, and staying in your home, it is better than staying in the ICU. So I hope ki wearing a mask, it is not a major issue for you all, as we all are educated. So please follow this. Don't go outside without a mask. Agar aap surgical mask le rahe hain, aapke cotton mask hai, kuch bhi hai, please apne mouth ko, face ko cover rakhe achhe tarike se. Ye nahi ki aapka mask sirf yahan tak hai, aapki chin jo hai wo exposed hai. Mask ko please wear kare properly. It is for your safety. It is for your safety as well as the safety of your surrounding also. So, right? As a good human, ek humanity ke basis pe hi sahi, mask ko properly wear kare. Ye bahut zaruri hai is time par apne cases ko rokne ke liye. So, I hope you all enjoyed the session. We will come soon with one more session with some cardiologists and pulmonologists regarding the vaccination drive. Okay. So thank you so much everyone for joining us. Thank you so much everyone for joining us. Stay home, stay safe. Thank you everyone. Chalo, we shall take a leave now.